सो नमस्कार गाइस, ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने एक चीज़ बताया था आप लोग को, ये क्वेश्चन सीजीएल में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर ट्राई करना। पहले टू ट्रेन्स मूविंग एट अपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ इतना, देखो दो ट्रेन से, एक ये ट्रेन है, एक इधर से ये आ रही है ट्रेन, एक इधर से और भी कोई ट्रेन आ रही है। जब आप दो ट्रेन्स होती है और जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो दोनों का जो स्पीड होता है क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे कि समझो कि ये 30 से 45 से आ रहा है, इधर वाला 30 से, तो दोनों का स्पीड एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं वो दोनों, तो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों का सम हो जाता है, और दोनों जब दोनों एक साइड होते हैं तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, तो धीरे 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 धीरे, अगर ये स्लो होगा धीरे धीरे पीछे हो जाएगा, अगर ये फास्ट होगा धीरे धीरे करके आगे आएगा, तो वो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे अपोजिट है तो प्लस होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक का लेंथ 450 मीटर है, दूसरा का लेंथ इतना है, व्हाट इज टाइम टेकन बाय द, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या है कि स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करने में क्या लगता है। आप एक बात बताइए कि ये दो ट्रेन हैं, ठीक है, ये दो ट्रेन हैं, एक छोटा एक बड़ा हमें, ठीक है, समझो कि एक छोटा एक बड़ा है। चलो अब एक बात बताइए कि ये ट्रेन जब इसका मुंह यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसका मुंह यहाँ पे आएगा, तो ये ट्रेन, ये बड़ी वाली ट्रेन इसको पार करेगी, इसको पार करेगी, समझो कि ये बड़ी वाली ट्रेन है, इसको पार कर गई, यहाँ इसका मुंह आ गया। ठीक है, यानी कि ये जो ये ट्रेन है इसको पूरा पार की कि नहीं, इसका लेंथ तो नाप दी। अब साथ में जब ये निकली इतना दूर बाहर कि बड़ी है, तो ये अब खुद का लेंथ भी नाप रही है, याद रखो, क्योंकि जब ये पूरी निकलेगी इसका जो पिछवाड़ा होगा, इसका पूंछ, तो ये यहाँ रहेगा और ये ट्रेन का यहाँ रहेगा, यानी कि इसका टोटल लेंथ, इस ट्रेन का लेंथ प्लस इस ट्रेन का लेंथ, यानी कि इन दोनों के लेंथ को इसको पार करना होगा, समझ रहे हो ना, अपना लेंथ और प्लस उसका लेंथ, यानी कि 400 और 50, ये 1000 मीटर पूरा पार करना होगा इसको। और यहाँ दूसरा चीज पूछ रहा है क्या, जो कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है कि स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करने में कितना लगेगा। आप एक बात बताओ कि ये इसको पार करे, ये वाली ट्रेन, या फिर अगर अगर इधर से कोई ट्रेन आ रही है, समझो कि ये ट्रेन है, तो ये ट्रेन इसको क्रॉस करे, यहाँ पे समझो ये ट्रेन इसको क्रॉस करे, या फिर ये ट्रेन इसको क्रॉस करे, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब ये वैसा ही बात हो गया कि हम और आपका दोस्त जा रहा है, मान लो आप और आपके दोस्त जा रहे हैं, आप उसको क्रॉस करो और वो आपको क्रॉस किया, तो जो क्रॉसिंग का टाइम है वो तो एग्जैक्ट सेम हुआ ना। तो वैसे ही अगर ये ट्रेन है, अगर ट्रेन आपस में क्रॉस करेगी, जो टाइमिंग होगा वो तो सेम होगा, चाहे उसके लिए सेम हो चाहे दूसरे ट्रेन के लिए सेम हो, टाइमिंग तो एक ही लगेगा, एक एग्जैक्ट टाइम होगा जिस समय वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है स्लोअर, स्लोअर लाओ निकालो या फास्टर, उससे क्या मतलब है हमको, ये 1000 मीटर कितने टाइम में पार हो रहा है यही पता कर रहा है, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 45, चूंकि यहाँ पे आपको सेकेंड्स में निकालना है, तो इसको सेकेंड में किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे कितना 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड, तो क्या हो जाता है 18 हो जाता है। यहाँ पे आप खुद से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका कि कितना टाइम लगता है क्रॉस करने में, क्योंकि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड क्या होता है, टाइम, टाइम टू क्रॉस ईच अदर। उम्मीद है समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया हूँ मैं कि क्या चीज कैसे होता है, रिलेटिव स्पीड यहाँ ऐड क्यों करते हैं इन दोनों को, फिर ये डिवाइड, तो उम्मीद समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि इतना डिस्टेंस पार करना हो और रिलेटिव स्पीड यही लोग का, तो टाइम कितना होगा और क्यों डिस्टेंस है, क्यों 1000 डिस्टेंस है, वो भी मैंने बताया। तो उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होगे। अब अगर ब्रिज पे भी पूछ दे कि एक ट्रेन एक ब्रिज को कितना देर में क्रॉस करेगा, तो ट्रेन तो साथ होगा ही और ब्रिज भी होगा, और पेड़ पूछ दे तो पेड़ एक खंभा है, ये मान लो कि खंभा है, तो ट्रेन का ही लेंथ बस आता है, क्योंकि खंभा का कोई पॉइंट में होता है उसको कैलकुलेट हम नहीं करते हैं, ठीक है, तो बस ट्रेन का लेंथ लेते हैं। अगर ब्रिज पे आएगा तो ब्रिज प्लस ट्रेन का लेंगे, दो ट्रेन है तो दोनों ट्रेन का लेंथ, ठीक है।